पर यार तीन हार्ट बचे हैं भाई, इनका डैमेज नहीं लग रहा। एक तो गया और दो हार्ट बस बिल्कुल नहीं, बस एक हिट और लगनी है इसके और ये खत्म, बस एक हिट। और क्या हाल है सभी के, वेलकम सबका माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 11 में। फ्लैशबैक, पिछले एपिसोड तुम सबने देखा कि मैं विलेज से अच्छा खास सामान कलेक्ट करने के बाद अपने घर की तरफ वापस निकल गया था और एक अच्छी खासी लंबी जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका था अपने घर पर। और अब आगे एंड ऑफ फ्लैशबैक। ओके, तो मैंने पिछले 3-4 दिनों में अपने घर को तोड़कर दोबारा से इसको रिबिल्ड करा है। तो यार देखो सामान में तो दिखाया तो मैंने कैसे कैसे क्या लगाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद यहाँ पर स्मोकर है, 2 फर्नेस, हमारा आर्मर पूरा आयरन का, और यहाँ पर है 4 डबल चेस्ट जिनके अंदर मैं सामान भर के रखा हुआ है। इसके अंदर भी सामान है, इसके अंदर हमारा खाना है जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उसका रीज़न मैं तो बताऊँगा अभी। इसके अंदर हमारा थोड़ा अच्छा खासा सामान रखा हुआ है, साथ ही इस वाले के अंदर भी हमारा थोड़ा बहुत सामान है जो इतना कुछ खास नहीं है। साथ ही मैंने पीछे की तरफ पे 2 बेड लगा दिए हैं जिनको मैंने ग्लास के अंदर कवर कर दिया है, और इस तरफ कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ का सामान मेरे को ही बनाना है। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। तो यार देखो, पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आई है, उसका एक रीज़न तो ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि जब मैं वीडियो बनाने बैठा ना तो भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं गया अपने एनिमल बार में, वहाँ मैंने जानवरों को फीड करा, उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आया तो मेरा गेट खुला रह गया और मेरे पीछे पीछे 2 क्रीपर भी मेरे साथ आ गए जो मेरे घर में आ गए, फट गए, और उनकी वजह से जो मेरा चेस्ट वगैरह थे वो सारे के सारे टूट गए, और जो उनका सामान था वो भी सारा बाहर निकल गया। और फिर एक चेस्ट का सामान कलेक्ट करने के चक्कर में मेरे जो दूसरे चेस्ट का सामान था, जो कि मेरा मेन चेस्ट था जिसमें मैंने सारा का सारा अपना जो बिल्कुल रेयर आइटम्स थे वो रखे हुए थे, वो सारा का सारा डिस्पॉन हो गया। फिर मैं दोबारा सब कुछ कलेक्ट करके लाया। देखो अभी बारिश भी हो रही है, साथ ही रात भी हो रही है बाहर, तो पहले मैं सो जाता हूँ ताकि बारिश भी रुक जाए और सुबह भी हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग, एक और नई सुबह, एक और नया दिन। तो जैसे कि मैं तो लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक नीदर पोर्टल को, लेकिन यार सिंपल नीदर पोर्टल थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि यहाँ यार देखो सिंपल सही बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे एक ट्री हाउस नेदर पोर्टल जिसका मैंने एक रफ प्लान अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाया था। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो यार देखो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ भी लगा देता हूँ, साथ ही यार तुम मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग अपडेट्स मिल सके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके फॉलो कर लो। तो उसके लिए जो जो मेरे को सामान चाहिए पहले मैं वो अपने पास रख लेता हूँ। साथ ही जब मैं सामान ढूंढने दोबारा गया था तो मेरे को मिल गए थोड़े स्पर्स के सैपलिंग जिनको मैंने अपने बेस में लगा दिया है और वो ग्रो भी हो चुके हैं, तो उनकी भी मेरे को लॉग्स वगैरह और लीव्स वगैरह इकट्ठी कर लूँगा। तो फटाफट से मैं सारा सामान में शियर वगैरह निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को लीव्स भी कलेक्ट हो सकें और लॉग्स भी कलेक्ट मैं कर सकूँ वहाँ से। ओके, तो सामान तो अपने पास सारा आ गया है। तो यार देखो फटाफट पहले मैं जाके लॉग्स और लीव्स इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि मैं अपने नेदर पोर्टल को क्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ से मैं करता हूँ इस गेट को बंद और फिर चलते हैं यहाँ से। अबे यार किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? मेरा मन नहीं करता भाई इस गेम को खेलने का कभी कभी, तो क्योंकि मैंने फार्म के चारों तरफ ग्लास लगाया था ताकि मैं अपने फार्म को ज़ॉम्बीज या और मॉब से बचा सकूं, लेकिन ज़ॉम्बी उसके अंदर घुसा हुआ है भाई, क्या करूं यार। अब मैं फार्म देखूंगा, पहले फटाफट सारे सारे पेड़ और लीव्स यहाँ से काट लेता हूँ। ओके, तो लॉग्स तो अपने पास कलेक्ट हो गए हैं, तो फटाफट हमें चलते हैं यहाँ से घर, और घर जाके क्राफ्टिंग टेबल पे सारा सारा जो सामान है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यार अब लग रहा है अपना घर बाहर से एकदम खतरनाक। हाँ, इतना बेकार डिसीजन भी नहीं था मेरा घर को दोबारा बनाने का, बट हाँ अपना लुक घर का अच्छा आ रहा है। साथ ही वो ज़ॉम्बी पता नहीं कहाँ चला गया। खैर मेरे को क्या, मेरे को तो फटाफट घर के अंदर जाके क्राफ्टिंग टेबल में सारा सारा सामान बनाना है। ओके, तो ट्री हाउस नेदर पोर्टल को बनाने के लिए जो जो मेरे को सामान लगने वाला है वो यार देखो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, दोनों साइड में जो लिस्ट आ रही है ये सामान अपने को लगने वाला है। तो फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जाके मैं सारा सारा सामान को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अपना सामान तो यार देखो सारा बन गया है, लेकिन जब जो एक्स्ट्रा सामान है जैसे आयरन किंग नॉट वगैरह वो सारा सारा मैं रख देता हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस मैं मर भी जाता हूँ तो ये सामान मेरा वापस से वेस्ट या डिस्पॉन ना हो जाए, तो इसको सारा सामान मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ पहले अच्छे से। उसके बाद चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं अपने ट्री हाउस नीदर पोर्टल को। ओके, तो मैं अपने घर से तो बाहर आ गया था, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना ट्री हाउस नीदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कहाँ करूँ।
तो क्योंकि यार देखो मैं चाहता हूँ कि यार दूर ना जाना पड़े मेरे को, तो अपने घर के एग्जैक्ट सामने ही मैं यहाँ बनाऊंगा एक ट्री हाउस नेदर पोर्टल। तो पहले इस गड्ढे को भर देता हूँ मैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर तो डेट के ब्लॉक तो मैंने सारे भर दिए हैं, बाकी तुम पूरी कंस्ट्रक्शन मोन्टाज को एंजॉय करो। फेलोज इज ए ब्रीफ कंस्ट्रक्शन मोन्टाज, वी होप यू एंजॉयड दिस ब्रीफ कंस्ट्रक्शन मोन्टाज। तो हमारा ट्री हाउस नेदर पोर्टल तैयार हो गया है फटाफट से। इसके अंदर सारा सामान जो जो मेरे को चाहिए वो लगा देता हूँ। तो मैंने बेड लगा दिया है, अब क्राफ्टिंग टेबल जो है मेरी वो दोनों साइड लगा देता हूँ मैं बेड के। उसके बाद जहाँ यहाँ पे मेरे को जो फर्नेस वगैरह लगाने हैं वो सारा का सारा सामान फटाफट से इसके अंदर सेट कर देता हूँ पहले। और अब लास्ट में बस यहाँ पर मेरे को ये लूम लगाना है। तो हमारा पूरा का पूरा ट्री हाउस तैयार हो गया है। साथ ही कुछ हम नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मेरे को फ्लिंट एंड स्टील लेकर आना पड़ेगा, जो है मेरे को बनानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि उस सारे के सारे डिस्ट्रक्शन में मेरा फ्लिंट एंड स्टील भी खो गया क्योंकि डिस्पॉन हो गया था, मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा उसको। तो फटाफट पहले मैं यहाँ से घर चलता हूँ और बना कर लाता हूँ एक फ्लिंट एंड स्टील को। साथ ही यार देखो रात भी होने वाली है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो पहले मैं घर जाके सो जाऊंगा, अपना फ्लिंट एंड स्टील बना लूंगा और फिर लाकर इसको एक्टिवेट करेंगे अपने नेदर पोर्टल को। मेरे को जल्दी जल्दी बाकी घर जाना पड़ा क्योंकि इससे पहले कोई जॉम्बी वगैरह यार शिट शिट एंड शिट मेरे घर के अंदर जॉम्बी घुसा हुआ है भाई। मेरे पहले मेरे को इसे मारना पड़ेगा। तो अच्छा है मेरे पास शील्ड और आर्मर है मेरा, पर यार इसका दो जॉम्बी है भाई, यार कैसे बचूंगा भाई। अब मैं क्रॉस तो मैंने कर लिया है तो इससे मेरे को एक फायदा तो होगा कि मेरे को डैमेज ज़्यादा नहीं पड़, पर यार तीन हार्ट बचे हैं भाई, इनका डैमेज नहीं लग रहा। एक तो गया और दो हार्ट बस बिल्कुल नहीं नहीं बस एक हिट और लगनी है इसके और ये ख़त्म। बस एक हिट लग बस लग जा, हाँ बिल्कुल लास्ट दो हार्ट तो बचाऊँ और बस पता नहीं मेरे को कैसे अब गेट बंद कर देता हूँ भाई। मेरे को और जॉम्बी नहीं चाहिए यार। देखो मेरे को सिर्फ एक ही रीज़न लगता है जॉम्बीज के आने का, एक मिनट पहले मैं खड़ा होकर पड़ेगा। हाँ तो भाई देखो मेरे को सिर्फ एक ही रीज़न लगता है क्योंकि ऊपर जो हमारा फ्लोर है वहाँ पे लाइटिंग नहीं है, तो मेरे को जाके वहाँ पे टॉर्चेस लगानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे कोई और अगर मॉब स्पॉन हो गया ना जैसे स्केलेटन वगैरह तो हालत ख़राब होनी है। तो पहले फ्लिंट एंड स्टील बना लेता हूँ मैं यहाँ पे और पहले यार सो जाता हूँ क्योंकि रात भी हो गई है और बारिश भी हो रही है, तो बारिश तो हो ही जाएगी। साथ ही मैंने ऊपर जाके लाइटिंग वगैरह सब कर दिया है, सेट सारा हो गया अपना घर।
यहाँ भी नहीं थी अंदर, वहाँ भी मैंने लाइट्स लगा दी हैं, टॉर्चेस वगैरह सब सेट हो गया है। अब यार देखो मेरे को बस जाना है क्लिंटन स्टील से, जाकर मेरे को वहाँ पे आग लगानी है और हमारा पोर्टल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो गेट करते हैं ओपन और चलते हैं घर से बाहर। ऑलराइट, तो फटाफट चल के पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ और कोई मॉब वगैरह मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि सुबह हो रही है, सुबह को कोई मॉब नहीं आता। हाँ बस क्रीपर और स्पाइडर ना आए तो बस ठीक रहेगा। तो इसे करते हैं 1, 2 and 3। ओके हमें नेदर पोर्टल तैयार हो गया है, साथ ही ट्री हाउस के साथ और भी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और अपने घर से भी मेरे को एक क्लियरली क्लियर दिख जाएगा जिसके ऊपर जाकर भी मैं आराम से देख सकता हूँ कि इसके आस पास कोई मॉब वगैरह तो नहीं घूम रहा है। ओके ये देखो, अगर मैं डायरेक्ट अंदर आ जाऊँगा तो मैं आ जाऊँगा ट्री हाउस के अंदर और डायरेक्ट ऐसे यहाँ से बाहर भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बीच में रुकता हूँ नेदर पोर्टल के तो मैं पहुँच जाऊँगा एक अंधेरी दुनिया में, इसे कहते हैं नेदर। लेकिन वहाँ पे चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यार देखो हमारा नेदर पोर्टल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, साथ ही पोर्टल बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है यार। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतना बढ़िया पोर्टल बन जाएगा हमारा ट्री हाउस नेदर पोर्टल। अब यार देखो इससे एक चीज़ हो गई है कि मैं यहाँ पर आकर भी सो सकता हूँ और अपने घर पर भी सो सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं अपने घर से बाहर रहता हूँ। तो मेरा तो आज का हो गया, बाकी यार तुम लोग अब अपना देख लो। साथ ही तुम्हें एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टा पर भी जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही माइनक्राफ्ट के पुराने एपिसोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें भी जाके तुम प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और तुम्हें आज के एपिसोड कैसा लगा ये तुम कमेंट में बता सकते हो, साथ तुम और कौन सी गेम की वीडियो देखना चाहते हो उसे भी कमेंट से बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे जल्दी एक और नई एपिसोड में या फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।